हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? जैसा कि मैं आपके सामने बहुत ही एक नए टॉपिक के लेके, मज़ेदार टॉपिक के लेके हाजिर हूँ, ठीक है ना। जैसे प्यारे बच्चों, बताइए कि आपके वीडियो साफ क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और यदि आपको आपके लिए बेनिफिट होता है, फ़ायदेमंद होता है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपके क्लास सेवन का रहेगा, ठीक है ना। क्लास सेवन का ह्यूमन पार्ट बोर्ड ये, ठीक है ना। ये क्लास सेवन का ICIC बोर्ड, ठीक है ना। ये एक बोर्ड होता है, ठीक है ना। ICSE बोर्ड होता है, ICSE बोर्ड होता है, या आपके CBSE, या आपके NCERT, ये तीनों जो बोर्ड में आपको जो सिलेबस में जो आता है, ये क्लास सेवन का रहेगा, ठीक है ना। आपका क्लास सेवन रहेगा, क्लास सेवन का ये आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। और यदि आपके लिए टॉपिक यदि अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, हम जानते हैं कि मानव जो शरीर होता है, बॉडी जो होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं, उनका एक अलग अलग क्या होता है, काम होता है, फंक्शन होता है, ठीक है ना। इनमें से हम 4 से 5 बॉडी पार्ट जो होता है, उसके हम बारे में चर्चा करने के प्रयास करते हैं, चलते हैं, ठीक है। आपके पहले दिया हुआ है एक्सक्रीशन। हम जानते हैं एक्सक्रीशन है, हम खाना खाते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद क्या होता है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, मुंह में क्या होता है, माउथ में क्या होता है, दो पाइप होता है। एक क्या होता है, वायु पाइप होता है, वायु नली कह सकते हैं। एक को क्या होता है, फूड पाइप, यानी कि आहार नली कह सकते हैं, यानी आहार नली। तो फूड यदि हम भोजन खाते हैं या खाना खाने के बाद क्या होता है, वो हमारे बॉडी में जाता है, क्या होता है, जाता है बॉडी में। जब बॉडी में जाता है तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से होते हुए क्या हमारे स्टोमक में जाता है, ठीक है। स्टोमक में जो गया, स्टोमक में जाने के बाद क्या होता है कि वो मतलब वहाँ पर हमारे स्टोमक में, हमारे बॉडी में क्या होता है, स्टोमक में जब जाएगा तो स्टोमक से क्या होता है, हमें क्या होता है, यहाँ पर स्टोमक में जब जाता है, तो जब स्टोमक में जाता है तो हमारे स्टोमक की जो दीवार होता है, वाल्स होता है, वाल से क्या होता है, HCl नाम का एक क्या होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, निकलता है। वाल जो दीवार होता है वो क्या करता है, वो हमारे फूड को क्या करता है, पचा देता है, क्या करता है, फूड को पचाने में क्या होता है, सहयोग करता है। या उसको जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, जर्म्स या वायरस जो होते हैं, उनको क्या करता है, मारने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आपका जो एक्सक्रीशन होता है, यानी बॉडी से कोई चीज़, मतलब खाना पच गया, पचने बाद क्या होगा, उसका काम होगा, बाहर निकलेगा, वही होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी आर कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हमने खाना खाया, पचाया, पचाने के बाद क्या होगा, वो हमारे बॉडी से क्या होगा, बाहर निकलेगा। जो हमारे बॉडी के यूज के लायक होगा वो क्या होगा, आपके बॉडी में लग जाएगा, लेकिन जो आपके बॉडी के लायक नहीं रहेगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने के बाद क्या होगा, वो आपके लिए क्या, बाहर निकलने का रास्ता जो हमारे बॉडी में जो क्या हो, शिफ्ट हो गया, या हमारे बॉडी को जो मतलब जो एनर्जी चाहिए या ऊर्जा चाहिए वो मिल गया हमको, लेकिन जो वेस्ट पार्ट हो गया या वेस्ट चीज़ हो गया, क्या हुआ, हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा, वो क्या होता है, बाहर निकलने के जो हमारी जो स्थिति होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, जो हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट यह हुआ है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या होता है, व्हाट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, आपके मन में आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, जो बोलते हैं ऑर्गन्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। यानी कि ऐसा ऑर्गन, ऐसा पार्ट, ऐसा चीज जो क्या होता है, हमारे बॉडी के क्या होते हैं, जो वेस्ट पार्ट को बाहर निकालने में काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लोग कह सकते हैं। जो चीज़ हमारे पार्ट, हमारे बॉडी से बाहर निकलने का काम करता है, जितने ऑर्गन्स होते हैं, जितने पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है किडनी आता है। हम जानते हैं कि मानव के शरीर में भगवान ने क्या किया है, 2 किडनी दिया है, भगवान ने, गॉड ने, ईश्वर ने या अल्लाह ने, ठीक है ना, 2 किडनी दिया है। एक आपके राइट में होता है और एक लेफ्ट में होता है। एक कहाँ होता है, एक राइट में होता है और एक लेफ्ट में होता है, जो स्टोमक के नीचे होता है, ठीक है ना। अब देखिए, स्टोमक के नीचे यानी कि जो हिप होता है आपका, हिप के आसपास में होता है, ठीक है, दोनों साइड में होता है, ठीक है। अब देखिए, हमने भगवान कितना अच्छा किया है, या अल्लाह ने कितना किया है, या आपको गॉड ने कितना किया, कि जो आपका जो किडनी जो होता है, ये जो कैसा होता है, तो किडनी जो होता है, जानते क्या होता है, जो सेम पैब्रिक देखे हैं,
सेम का बीज, सेम का बीज जो बीज होता है, जानते हैं कि हमारा जो अथी होता है डायग्राम उतना अच्छा नहीं होता है, दुश्मन सेम का बीज है, ठीक है ना, ये सेम के बीज की तरह होता है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा अथी नहीं होता, ठीक है ना, सेम के बीज की तरह होता है, ये सेम का बीज जो होता है ना उसी प्रकार से ये थोड़ा सा होता है, ये क्या होता है इस तरह का होता है, ठीक है, ये इस प्रकार से होता है किडनी, ठीक है ना, और ये मान लिया सेम का जो बीज हम देखते हैं उस तरह का होता है, ये क्या होता है हमारे दो पार्ट में होता है, एक दाहिने में होता है, एक लेफ्ट में होता है, और एक क्या होता है राइट में होता है। ये क्या करता है हमारे बॉडी जो माने हम लोग ये इसका मेन काम क्या होता है, जैसे खून वगैरह क्या होता है, ब्लड वगैरह क्या होता है साफ करना होता है, उसके बाद क्या करता है जो हमारे बॉडी में क्या होता है वेस्ट पार्ट होता है, जैसे यूरिन हो गया, मल मूत्र हो गया, ये सब क्या करता है इसको बाहर निकालने का क्या करता है काम करता है। जैसे किडनी है, किडनी दिया हुआ है तो रेडिश ब्राउन, ये क्या होता है एक रेडिश ब्राउन टाइप का होता है, इसका शक्ल जो होता है, इसका आकार जो होता है या इसका रंग जो होता है रेडिश ब्राउनी बीन होता है, बीन सेप्ट होता है, सेप्ट होता है ऑर्गेन दैट फिल्टर इम्प्योर ब्लड, जो क्या करता है इम्प्योर ब्लड को क्या करता है प्योर करता है, तो क्या कहता है इम्प्योर ब्लड को छानने का काम करता है या फिल्टर करने का काम करता है, और यूरिन आर कॉल्ड किडनी, किडनी यानी किडनी, हमने हमने कहा किडनी क्या होता है, ये क्या कहता है हमारे बॉडी में जैसे यूरिन को और क्या ब्लड को इम्प्योर ब्लड को प्योर यानी कि साफ करने का काम करता है, या हमारे बॉडी से क्या होता है यूरिन जो मल मूत्र मल मूत्र टाइप का जो होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, ये इसका काम क्या होता है किडनी। हमारे बॉडी में क्या होता है दो किडनी होती है, ठीक है। अब आता है नेफ्रोन क्या होता है, नेफ्रोन पे चलेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड नेफ्रोन, यानी क्या होता है हम क्या करते हैं कि जैसे जो माने कि आपका एक बेसिक जो किडनी जो होता है, किडनी जो होता है ये किडनी या आपका जो होता है किडनीज होता है, ये क्या करता है आपकी इसका जो फंक्शन बनावट जो होता है या इसका स्ट्रक्चर होता है उसके काम को या उसी को हम लोग कहते हैं हम लोग नेफ्रोन कह सकते हैं, ठीक है ना, जो बनाने का काम करता है, ठीक है। अब कह रहा है मोटर नर्व क्या होता है, तो मोटर नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मोटर नर्व का क्या होता है हमारे बॉडी में, जैसे मान लेगा हमारे ब्रेन एक मान लेगा ब्रेन जो है ब्रेन ये राइट है और ये क्या है लेफ्ट है, ठीक है, क्या होता है राइट ब्रेन है और ये लेफ्ट ब्रेन है, ये क्या करता है जो राइट ब्रेन जो है क्या करता है हमारे नर्वस सिस्टम से क्या करता है किसी भी मैसेज को क्रिएट करके किसी भी मैसेज को क्या करता है सेंड करने का काम करता है, और क्या करता है ये ब्रेन से बॉडी के अलग पार्ट्स जो होता है जो विभिन्न दूसरे पार्ट्स जो होते हैं वहाँ पर भेजने का काम करता है, ठीक है। ऐसा आप आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।